नमस्कार दोस्तों, कैसे आप? समय उम्मीद करता हूँ समस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि आग को बुझाने के लिए पानी का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन कभी पानी में आग लगते हुए देखा? अगर नहीं देखा तो आज की वीडियो में हम लोग साइंस की मदद से पानी में आग लगाने वाले हैं। तो उसके लिए हम इस्तेमाल में लेंगे कैल्शियम कार्बाइड का। कैल्शियम कार्बाइड एक ऐसी चीज़ है जिसको पानी में डालने के बाद उससे एक ज्वलनशील गैस निकलती है, जिस गैस का नाम है एसिटिलीन। एसिटिलीन गैस एक ज्वलनशील गैस होती है, और जब उसमें हम आग लगाते हैं तो वह एक साउंड के साथ जलता है, काफ़ी कमाल का साउंड भी उससे निकलता है। तो दोस्तों, चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं पानी में आग कैसे लगता है, और आपको वीडियो के लास्ट में भी हम बता देंगे कि कैल्शियम कार्बाइड आपको कहाँ मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए हम एक ग्लास ले लेते हैं और ग्लास में थोड़ा पानी डाल देंगे। ग्लास में पानी भर लेते हैं। दोस्तों, पानी भरने के बाद अब इसमें डालेंगे कैल्शियम कार्बाइड। दोस्तों, ये जो पत्थर आप देख रहे हैं ये कैल्शियम कार्बाइड है। इसको जैसे ही पानी में डालेंगे इससे एसिटिलीन गैस निकलना शुरू हो जाएगा, और फिर उसमें आग लगाएंगे तो फिर वो जलना शुरू हो जाएगा। तो चलिए इसको पानी में डालते हैं पहले, और फिर इसमें आग लगाते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे पानी में डाले इससे गैस निकलना शुरू हो गया। वाह दोस्तों, आप देख सकते हैं किस तरह से ये आग जल चुका है, और काफ़ी कमाल का साउंड के साथ जलता है। तो ये काफ़ी कमाल का चीज़ है, इस बुझ चुका है। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे ये जलता है जब इसमें हम आग लगाते हैं। तो दोस्तों, ये कैल्शियम कार्बाइड का कमाल है, जब इसको पानी में डालेंगे तो इससे गैस निकलेगा एसिटिलीन, और इसको जलाएंगे तो इसी तरह साउंड के साथ जलता है। दोस्तों, इसके साथ और भी कमाल कमाल का वीडियो बनाया जा सकता है, और आगे हम बनाएंगे और आपको कमाल कमाल का एक्सपेरिमेंट करके दिखाने वाले हैं। दोस्तों, इसमें फिर से हम आग लगाते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि जब तक ये पत्थर ये पूरी तरह से गल नहीं जाएगा, कैल्शियम कार्बाइड के जो पत्थर इसमें हम डाले हैं ये जब तक पूरी तरह से नहीं गलेगा तब तक इससे गैस निकलता ही रहेगा, और ये इसी तरह से उबलता रहेगा। जब इसका सारा गैस ख़त्म हो जाएगा, ये पत्थर पूरी तरह से गल जाएगा, तो ये उबलना बंद हो जाएगा और इससे गैस निकलना भी बंद हो जाएगा। दोस्तों, ये ज्वलनशील होने की वजह से इसके साथ और भी हम बड़े लेवल का एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। ये काफ़ी ज़्यादा गर्म है, इसको छू नहीं सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा ये गर्म हो चुका है। इसमें काफ़ी गर्म है ये ग्लास, इसको अभी छूना मुश्किल है। दोस्तों, इसमें हम फिर से एक बार आग लगा के आपको दिखाते हैं। देख सकते हैं कि जैसे हम इसमें आग लगाएं ये किस तरह से जलना शुरू हो गया, और काफ़ी साउंड के साथ जलता है, ये कमाल का साउंड भी निकलता है इससे। तो दोस्तों, यही था वीडियो में, और ये पत्थर तब तक उबलता रहेगा जब तक ये पूरी तरह से गल के ख़त्म नहीं हो जाएगा। आप देख सकते हैं पत्थर अभी भी है, और जब तक ये पत्थर इसमें रहेगा तब तक ये इसी तरह से उबलता रहेगा और इससे गैस निकलता रहेगा। दोस्तों, जब भी इस तरह का आग लगे तो कभी भी पानी डाल के बुझाने की कोशिश मत कीजिएगा, ये काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी कर सकता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो में मज़ा आया, कुछ नई चीज़ें देखने को मिली, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और दोस्तों, कैल्शियम कार्बाइड जब पानी में डालते हैं तो इससे एक कमाल की गैस निकलती है, एसिटिलीन गैस, आपको पहले भी बता दिए हैं। और उस वह जो गैस है वो ज्वलनशील गैस है, और ज्वलनशील होने की वजह से इससे और भी कमाल धमाल बवाल वीडियो बनाया जा सकता है। तो आगे हम इसके साथ और भी कमाल कमाल का एक्सपेरिमेंट करेंगे, और कमाल कमाल का वीडियो लेकर के आने वाले हैं। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। तो चलिए, हम मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में। और आपको बता दें कि अगर आपको कैल्शियम कार्बाइड चाहिए तो आपको ये वैसी जगह मिलेगा जहाँ वेल्डिंग वगैरह किया जाता है, वेल्डिंग की दुकान में मिलेगी, या तो फिर जहाँ फलों को पकाया जाता है वैसी जगह आपको ये चीज़ें मिलेगी, यानी कि फलों के दुकान में आपको मिल सकता है या फिर वेल्डिंग करने वाले दुकान में। तो चलिए, हम मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी को नमस्कार।